वेलकम टू नॉलेज थ्री सिक्सटी। नॉलेज थ्री सिक्सटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे ग्लू गन क्या है और ग्लू गन को कैसे यूज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। यश, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज थ्री सिक्सटी। तो फ्रेंड्स, ये ग्लू गन है, ये मैंने अमेजोन से खरीदी है। इसकी प्राइस आपको 160 मिल जाएगी। ये अभी अच्छी बेहतर कंडीशन में है और ये मैंने अभी खरीदी है। तो हाँ, अब बात करते हैं ग्लू गन के स्ट्रक्चर की। ये ग्लू गन का अगला पार्ट है, इस साइड से ग्लू निकलती है जो कि आप देख ही रहे हैं। इसमें मैंने ओल्ड स्टिक डाल के रखी है। ये इसका पीछे का स्ट्रक्चर है, अपन इसको दबाओ तो ये आगे जाता है, जिससे ग्लू आगे से निकलती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिफिल जाती है अंदर। इसके अंदर निक्रोम की वायर की परत है जो इससे कनेक्टेड, एसी बिजली से कनेक्टेड है। चलो अब हम यूज़ करते हैं कि ग्लू गन क्या है और ग्लू गन को कैसे यूज़ करते हैं। ग्लू गन क्या है? हेलो फ्रेंड्स, तो हम आपको बताने वाले हैं ग्लू गन आप कहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। ये तो मैंने खैर अमेजोन से परचेस करी है। यदि आप गांव में रहते हैं तो आप अमेजोन से परचेस कर सकते हैं और स्टेशनरी दुकान पे भी मिल सकती है ग्लू गन। तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप या फिर आप शहर में रहते हैं यहाँ पे जनरल स्टोर है, वहाँ पर भी मिल सकती है आपको। तो अब इसी आप बात करें, हम ग्लू गन को कैसे यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे गन के स्ट्रक्चर की। जो हमने अभी भी बात करी थी इसकी, मगर हम इस साइड भूल गए थे। ये है एक स्मॉल बटन जो ये ग्लू गन को ऑन ऑफ करता है। इसके साथ हमें मिल जाएगा आपके एक स्टैंड जो ग्लू गन को रखने में अपनी हेल्प करेगा। ये पीछे मिलेगा ट्रिगर। ये हमने अभी ली है 20 वोल्ट की ये गन है। आप बड़ी वाली आप 60 वोल्ट की भी ले सकते हैं, हमने 20 वोल्ट की ली है। तो लेट्स स्टैंड स्टार्ट कि हम इसे यूज़ कैसे करें। तो फ्रेंड्स, अब हम ले लिए 2 DC मोटर। अब हम इसे आपस में चिपकाएंगे। ये मैंने ग्लू स्टिक खरीदी है, ये अमेजोन से मिली है मुझे, इसके साथ फ्री मिली है। ये 15 ग्लू स्टिक्स है टोटल। अब हम इसे एक यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल रेयर है, जिसमें बिल्कुल कांच जैसी है, जो ग्लास जैसी है वही ओरिजिनल है। जो आप लोगे वो बिल्कुल कांच जैसी होना चाहिए, वो बिल्कुल ओरिजिनल रहेगी, असली मतलब। तो फ्रेंड्स, ये हमने ग्लू गन ली, इसको हम इस साइड से अंदर पुल करेंगे अराउंड करके। ये लग गई हमारी ग्लू गन की स्टिक। अब हम इसके नीचे की साइड ट्रिगर दबाएंगे। ये अग्नि से गन निकल आ गई है, तो हम थोड़ा और अच्छे से पुल करेंगे राउंड कर। इसे हम देख लिया आप किस तरीके से गन की रिफिल निकल रही है। इस तरीके से इसे चिपका देंगे, थोड़ा पुश करेंगे, थोड़ा पुल करेंगे, आखिरी में साइड के सपोर्ट पे भी लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितनी मजबूती से चिपक गई है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो पूरा हो गया। प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए चैनल नॉलेज 360 को।